Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get amazing short films and web series from Cheers. वैसे इतनी धूप नहीं है अब? हाँ धूप तो नहीं है. अरे तुम्हारा मतलब, अरे वो दिख रहा है ना, मैंने वो समर कट कराया था रिसेंटली, बाल ही नहीं बचे सर पे. यार उसने जाते हुए कहा इट वॉज फन शेयरिंग राइड विथ यू. और क्या ये बोला यार. भाई तुझ जैसे लोग ना, तुझ जैसे ही ठरकी लोग ये राइड शेयरिंग ऐप्स को डेटिंग ऐप्स बना देते हैं. भाग साले. बाय एंड थैंक यू. अरे क्या तुम हर राइड के बाद ऐसे थैंक यू बोलती हो? मेरा मूड ठीक करने के लिए. बाय. अगर कोई लड़की ये बोले कि थैंक यू फॉर मेकिंग माय मूड बेटर, तो उसका कुछ हिडन मीनिंग है क्या? पता नहीं. इसका कोई मीनिंग नहीं है. कुछ मिसिंग है यार. क्या सर? तो can't put my finger on it exactly. एक मिनट. हाँ एक मिनट. टेक योर टाइम. आई थिंक आई विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. फ्रेश मतलब समझा नहीं सर. अरे आई विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव. अच्छा अच्छा. आ गया पकड़. आ गया. सी व्हेन आई इरेज ऑल द ब्रांड गाइडलाइंस राइट दैट वी मार्केटर्स आर ट्यून्ड टू लुक एट एंड आई इनकल्केटेड इट विद द यू नो थॉट प्रोसेस ऑफ अ नॉर्मल कंज्यूमर, तब पकड़ में आया कि मिसिंग क्या है. जीनियस सर. अरे one of the perks of working with me. तुम भी बनोगे, तुम भी बनोगे. सर तो एजेंसी विल आस्क फॉर फीडबैक, तो क्या देना है उनको? अरे उन्हें बोलो ब्रांड रजिस्टर नहीं हो रहा यार, है ना. हाँ बट करना क्या है दिलास की चेंजेस कुछ करने हैं? लोगो का साइज बड़ा करो. ऑफ कोर्स. है ना. yes. देखो अंगूठा लगा, यहाँ पे अंगूठा लगा. अरे अंगूठा लगा ना. नहीं हटा हटा छोटा. फोर्टी में से एक्स माइनस कर. फोर्टी माइनस एक बार कर. अच्छा से बोलो लोगो 33% इंक्रीज कर. ठीक है 33% इंक्रीज कर. परफेक्ट. थैंक यू. नहीं थर्टी टू परसेंट इंक्रीज. इट शुडंट बी अबाउट द ब्रांड ओनली ना. दैट्स है ना. Any other important thing? Hey, hey, hey. बाकी सब ठीक है. थैंक यू. गुड जॉब है.
चार दीवारों में है सपने मेरे बन, खुद खुद पे मर चुका मेरा सारा घमंड। बॉस की गालियों से नाप के खुद का कद तो ले, अरे मिस्टर पास की लग गई फिर से। लड़कियां पर बेड खाली पड़ा, ऐसा चलता रहा तो रह जाऊंगा कंधा। मौत तो लाखों मिले पर ये मुंगा कोले, अरे मिस्टर पास की लग गई फिर से। बचपन के एक दिन यूं ही घुट के मर जाऊंगा, जी चाहे छीन लूं अपनी जिंदगी उनसे, पर क्या मैं उनसे बेहतर कर पाऊंगा। कॉलेज वाली हरकतें मत किया कर ऑफिस में यार। मत नहीं करूंगा मैं, पहले ये बता। हाँ। तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था बे? भाभी ने नॉटी वाला मैसेज भेजा क्या? भाभी कौन बे? अबे कौन सी बात, वो कारपूल वाली। अरे क्या यार, तो तू भाभी भाभी करके ना जिंक्स मत किया कर चीजें। वैसे ही रिचा को तो रिचा भाभी करता रहता था, बन गई तेरी भाभी। अरे नहीं यार, शी इज डिफरेंट, आई कैन सेंस इट। क्या दो तीन कार राइड तो शेयर की है, वैसा कुछ कंफर्ट लेवल बना भी नहीं अपना है। पीछे बैठती है। पीछे बैठती हो? और क्या, आई कैन सेंस इट। तू कहाँ बैठता है? भाई मैं ऑब्वियसली पीछे बैठता हूँ ना यार, मेरी गाड़ी सेल्फ ड्राइव है, तुझे पता नहीं? मस्त चाचा ने गिफ्ट किया था मेरे को। चूतिया वाली बातें मत कर यार, आगे बैठता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तू आगे वो पीछे, वैसे उसकी भी गलती नहीं है, तेरी शक्ल ऐसी है रंजीत प्रेम चोपड़ा टाइप, आंखों में हैवानियत कितनी देखा तूने। खुद की गाड़ी में ड्राइवर की तरह फील हो रहा है। मेम साहब पीछे बैठी है, मैं चला रहा हूँ। भाई साहब कितना हुआ? भाई साहब राइड एंड कर दीजिए, ओटीपी दे दीजिए, आप बोलो। मल्टी फनी। चल छोड़, तू बैठ के टाइम पास कर, मैं निकलता हूँ, 7 बज गए। क्या बात कर रहा है, आज कोई काम नहीं दिया बॉस ने? अरे दिया ना भाई। क्या? 1.5 घंटा क्रिएटिव स्टेयर किया और जो फीडबैक दिया, ओहो माइंड ब्लोइंग, अर्थ शैटरिंग भाई, ग्राउंड ब्रेकिंग। क्या क्या बोला? गेस कर। क्या? मैं गेस क्या करूंगा, बोलना क्या? लोगो बड़ा कर। लोगो बड़ा कर। कितना परसेंट? मैं बता। थर्टी 33% बड़ा कर। एक्चुअली नहीं, not just about the brand, 32% बड़ा कर। ओहो, just 1% reduction। अरे मेहरबानी की है भाई, 1% की बात। एजेंसी को बोला तूने? अभी बोलता हूँ ना, रास्ते में ड्राइव करता हूँ। यार सुन ना, ये एजेंसी वाले क्लाइंट के बारे में क्या सोचते होंगे जब इसका घटिया सा चेंज बोलते हैं हम लोग। यही कि कितने बड़े चुप। चल मैं भी आ रहा हूँ। यार सौरभ मेरे को क्या लगता है पता है, एजेंसी वाले जानबूझ के पहले क्रिएटिव ना लोगो छोटा भेजते हैं। पता है ना, क्लाइंट साला देखेगा क्या फीडबैक देगा, लोगो बड़ा कर दो। और क्या, और कोई फीडबैक होता है नहीं हमारे पास, बदनाम हम होते हैं और सर ऐश उनकी है। बात बता यार, ऐसे लोग से क्या सीखेंगे हम, हैं? इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद बंदा 1.5 घंटा तक मेरा क्रिएटिव घूरता है और क्या फीडबैक देता है, लोगो बड़ा कर दो। कैसे बन जाते हैं ऐसे लोग बॉस यार।
सही में चल जल्दी कर। अच्छा बता, हाँ तेरी वो भाभी का आई मीन वो कारपूल वाली का मैसेज नहीं आया आज? नहीं यार, आई डोंट थिंक इट्स माय डे टुडे। मिस्टर दास, आज फिर आप डे? नहीं नहीं सर, 7 तो बज गए। अभी इतना गंदा ट्रैफिक रहता है कि घर पहुंचते तक ऑलमोस्ट 8:30 हो जाता है। तो सब काम करके आई थॉट आई लीव। सर बट मैंने सारे शीट्स आपको मेल कर दिए और जो जो आपने मांगा था फिनिश एवरीथिंग। अरे चल यार, तुम भी ना, अब हर शाम को काम के लिए थोड़ी ना रोकूंगा, इतना खड़ूस नहीं हूं मैं। ढस्सा लग गया सर। नहीं नहीं, बात हजम नहीं हुई मेरी। नहीं सर। नहीं, तुम्हारी मैडम तो रोज टाइम पे जाती है, तुम्हारी तो ऐश है। कहां सर, वो भी तो काम देके जाती है। लेकिन यही उम्र है मेहनत करने की, अभी डट के मेहनत करोगे ना तो बाद में मेरी तरह ऑफिस में बैठ के दूसरों को डेलीगेट करोगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। या आई एग्री शुक्ला सर। तो कल क्या कर रहे हो? कल तो सैटरडे है सर, कल छुट्टी है। शक्कल देखो अपनी पुत्र, रंग उड़ गया तुम्हारा। कमाल करते हो हैं? अब थोड़ी ना यार, काम के लिए तुमको बुलाऊंगा वीकेंड पे। मेरे को पता है मेरी इमेज खराब है यहाँ पे, इमेज खराब है। सब ना सोचते मैं सिर्फ काम देता रहता हूँ, इमेज ही खराब है मेरी। नहीं सर, कल तो फ्री है। फ्री हूँ सर, कल बताइए क्या कर रहे हैं। फ्री हो? यस सर। पार्टी करते हैं। वैसे कल मैं भी फ्री हूँ, आई जस्ट चेक द कैलेंडर। सर पार्टी क्यों सर, कुछ खास रीज़न है क्या? नहीं, कोई रीज़न नहीं। वो बीवी बच्चे मायके गए हुए हैं तो मैंने सोचा घर खाली है, थोड़ा दारू शारू पियेंगे, थोड़ा बियर वियर पियेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। गुड आइडिया। डन सर, करते हैं सर। तुम भी आ जाओ सौरभ। दारू तो पीते हो गए? ओनली बियर। हाँ मिलेगी, आ जाओ फिर। ठीक है कल शाम को। कल कितने बजे आ रहे हैं सर? बजे 8 बजे आ जाओ। हैं, पहले दारू पियेंगे फिर बाहर से खाना मंगवाएंगे, फन होगा। श्योर फॉर श्योर। अच्छा सुनो, अपने डिपार्टमेंट से ना दीपक और अंकित को भी बुला लो, ग्रुप होगा ना तो। क्या हो गया भाई? पता नहीं पी ली क्या इसने? पता नहीं सर, छुट्टी है। वर्षा रवि, तुम कौन हो यार? सॉरी दोस्त, हमारी गाड़ी तो फुल है, तुम आज प्लीज ऑटो या कैब ले लो। हाय सुष्मिता, सॉरी उस दिन वो तुम्हारी राइड डिक्लाइन करनी पड़ी, काम आ गया था ऑफिस। अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें एक वर्षा रवि की रिक्वेस्ट आई होगी। वर्षा, हाँ गलती से डिक्लाइन कर दिया होगा। Well, your loss, अब तुम्हें इसकी राइड के पैसे नहीं मिलेंगे। It's true. अरे तो क्या हो गया, पैसों के लिए थोड़ी करता हूँ ये। It's okay. मैं जितना ज्यादा लोग उतना अच्छा है। मैं तो अच्छी कंपनी के लिए करता हूँ, रोड पे कंजेशन कम हो जाए तो और क्या चीज़। So sweet of you. अच्छा, very good deed, yeah. Thank you. And you know what? जब भी रोड पे मैं गाड़ियाँ देखती हूँ जिसमें 3-4 सीटें खाली तो मेरा खून खौलता है। मेरा भी। चलो ना। तुम आ गए आज? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? अरे
प्रॉब्लम क्यों होगी, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वो तुम्हें थोड़ा आप जानती हो ना, तो फ्रंट सीट विद एन एक्वेंटेंस, एंड अगर स्ट्रेंजर गाड़ी चला रहा हो तो पीछे। ये तो सही बात है। Are you comfortable? Yeah, very. यार प्लीज थोड़ा एसी कम कर दोगे? I'm not feeling too well. हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बेटर है। Perfect. Thank you so much. By the way, sorry for the inconvenience. अरे क्या यार, sorry sorry. तो तुम sorry sorry करती रहोगी, तुम्हारी दोस्त thank you करती रहती है। अपनी गाड़ी समझो यार तुम दोनों। Cool. वैसे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए वर्षा, मैंने तुम्हारी वो राइड रिक्वेस्ट गलती से डिक्लाइन कर दी। हाँ हम दोनों साथ में ही थे, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि सुश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और मेरी डिक्लाइन। अरे वो ऐसा बैक टू बैक आ गया तो ऐसा। अरे एक के बाद एक आ गई होंगी ना, तो गलती से डिक्लाइन हो गया। एग्जैक्टली एक के बाद एक आ गई थी, बिल्कुल सही बोला तुमने। हाँ जल्दी जल्दी में तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया होगा। नहीं सुश प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी एक बार डिक्लाइन कर चुका है बुधा आदित्य। अरे वो उस दिन काम आ गया था तो मैं नहीं कर पाया, सॉरी यार। गिल्टी क्यों फील कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी है, यू शुड डिसाइड कब जाना है कब नहीं जाना है। वो है बट आई स्टिल ट्राई माय बेस्ट कि जितने लोग। तुम तो सीरियस हो गए यार, बुरा क्यों मान रहे हो, वो टांग खींच रही है तुम्हारी। अरे वर्षा यू आर टू फनी यार। शुक्रिया। एक सेकंड मेरा कॉल आ रहा है। हाँ वैभव आई एम ड्राइविंग एंड यू आर ऑन स्पीकर। हां ओके, वी विल कीप इट रियली शॉर्ट देन। व्हाट्स द फीडबैक ऑन द कैंपेन क्रिएटिव मैन? ऑन दैट क्रिएटिव? यस। अरे उसमें लोगो बड़ा कर दे यार वैभव। कुछ तो नया फीडबैक दिया करो। कूल, वी विल डू इट। चल ठीक है बस बाय। अच्छा सुन सुन वैभव, यू देयर? यस यस स्टिल देयर, बोलो। उस लोगो को एग्जैक्टली 32% बड़ा करना यार प्लीज। अनबिलीवेबल मैन। कूल, वी विल डू इट। चल देन, सेंडिंग इट अक्रॉस इन अ बिट। हां चल सी, बाय बाय बाय। मार्केटिंग में हो क्यों? अच्छा। अरे मतलब लोगो बड़ा करवाने के अलावा भी बहुत काम करते हैं हम, ठीक है। एक तो ये एजेंसी वालों ने हमारा ऐसा डम स्टीरियोटाइप बना दिया ना कि ये क्लाइंट्स डम होते हैं, इनको तो लोगो बड़ा कराना आता है, ये वो। खुद तो जैसे बड़े तोप हैं साले। तुम अगर उन्हें बोलोगे लोगो बड़ा करने को तो वो तो यही कहेंगे ना, जब देखो लोगो बड़ा करने को बोलते रहते हैं। ये फीडबैक मेरे बॉस का था बाय द वे, मेरा नहीं था। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वैसे हमारा डिपार्टमेंट भी बड़ा बदनाम है। क्या डिपार्टमेंट है तुम्हारा? एचआर। ओ तुम दोनों एचआर में हो? बे यार तुम्हारी ऐसे लाइफ में कसम से। ये क्यों बोले तुम? अरे मतलब एचआर, एचआर मतलब मामला चिल है ऑफिस में, वर्क लाइफ बैलेंस मस्त, लाइफ मस्त, यार मन एचआर में होना चाहिए था। ये ज्यादा स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे हो तुम? अरे आई डिडंट मीन इट दैट वे। नहीं, डू यू हैव एनी आईडिया हाउ मेनी स्टीरियोटाइप्स वी हैव टू फेस एवरी सिंगल डे? एचआर की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। नहीं सीरियसली ऐसा ही है। तुम ना अगर ऑफिसेज में एक रैंडम सर्वे करा लो पूछने के लिए कि व्हिच इज द मोस्ट यूजलेस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ना, तो पूर्ण बहुमत के साथ एचआर ही जीतेगा। जो बंदा हायरिंग के टाइम दिन में 5-5 बार कॉल करता है एचआर को, हफ्ता हफ्ता भर फॉलो अप करता है रिक्रूटमेंट मैनेजर के साथ अपनी पे बढ़वाने के लिए, पर्क समझने के लिए, वही ज्वाइन करने के बाद बोलता है कि अरे एचआर को तो काम ही क्या है। अबे तुझ जैसे नमूने को इतनी भीड़ में से छाट के अच्छी खासी रेज दिला के टाइम पे पोजीशन फिल करी, ये काम नहीं है क्या? ये हमारी हॉबी है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट तो कौन करेगा? तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट आके करेगा? या अगर इतना ही यूजलेस काम है ये, तो हाउसकीपिंग को दे देते हैं ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग ना चाहे जितनी भी चीजें करा ले, जितना भी हायरिंग डेवलपमेंट कंपनसेशन जैसी मीनिंगफुल चीजें करा ले ना, एचआर को यूजलेस ही समझा जाता है। बस याद रहता है तो सिर्फ ये जो हम पिकनिक, फैशन शोज, क्विजेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये सब एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है। यू नो डू यू हैव एनी फकिंग आइडिया हाउ क्रूशियल दिस इज? पिकनिक कमेटी समझ के रखा है हम लोगों को,
जब ऑफिस में कोई फन नहीं बचेगा ना, तब समझ आएगी इन सब एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। डू यू हैव एनी फकिंग आइडिया? ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है, खुद करके दिखाओ ना। बस मजाक ही उड़ाते रहते हो एचआर का। एंड हाँ, क्या वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ फॉर पीपल वर्किंग इन एचआर। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता हमारा। हमारे भी उतने ही टारगेट्स होते हैं, हमारे पर भी उतना ही प्रेशर होता है। सबकी तरह हमारा भी अप्रेजल होता है। जब बचती है ना तो सबकी बचती है। तो कौन सी ऐश, कौन सा आराम? जिसे देखो एचआर के एग्जिट टाइम को लेके सेंटी होता रहता है, सबका यही रोना होता है कि अरे एचआर को तो काम ही नहीं होता, रोज टाइम पे घर चले जाते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम मार्केटिंग में हो, मैं एचआर में, वी वर्क फॉर एज लॉन्ग एज यू डू, तभी तो कार शेयर हो पाती है। तो घर जल्दी जाने का सवाल ही कहां से पैदा हुआ? वी वर्क एज हार्ड एज एवरीवन एल्स। रिलैक्स यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आई एम सॉरी। अरे तुम्हें नहीं बोल रही थी यार, आज ही एक कैंडिडेट से सुबह सुबह बहस हुई। आई रियली वांटेड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड। और फिर जब तुमने वो ऐश वाला कमेंट दिया ना, जले पे नमक छिड़क दिया। वैसे बुरा ना मानो, तुम एचआर से हो तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूं यार, मुझे एक जॉब दिला दो यार प्लीज, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है। अरे तुम लोग हंस रहे हो? अरे सीरियसली बोल रहे हैं, तो जॉब मार्केट इतना स्लो रखा है, ऊपर से मैं इस जॉब में फंस गया हूँ यार, दिन भर लोगों बड़ा कराता रहता हूँ। अरे तुम्हारी कंपनी में तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा ना, वहीं दिलवा दो यार। ओके, सीवी तो भेजो sushmita@naturevanbeverages.com। अरे तुम नेचर वन में हो? अरे तुम मस्त कंपनी है यार। मैं काम करता हूँ, इसी वीकेंड सीवी अपडेट करता हूँ, तुम्हें मंडे को मेल करता हूँ। ओके। अरे तुम बस इंटरव्यू दिला दो यार, उसके बाद तो मैं फोड़ दूंगा। कॉन्फिडेंट? अरे आसमां के तो देखो। बुद्धे सैटरडे बुद्धे, भाई के साथ बियर नहीं पिएगा? भाई मेरी अल्ट्रा हो तो फ्रिज में डाल दे चिल करने के लिए, आज मैं साले शुक्ला के पैसों की फ्री बियर पीने वाला हूँ। लूट लेना साले को। I'm sure उस कमीने के पास ना बहुत सारी इंपोर्टेड दारू पड़ी होगी, सब साफ करके आना भाई। और हाँ, अगर पी नहीं पाया ना तो टॉयलेट में भागे फ्लश कर देना। Hit him where it hurts the most. अच्छा सुन ना, अगर वो पास आउट हो जाए ना, तो एक आध बोतल अपने भाई के लिए तो लेके आएगा ना। ट्राई तो पक्का करूंगा भाई, लेकिन शुक्ला है साला मोटी खाल वाला आदमी, सा कच्चा खिलाड़ी है नहीं कि दो ड्रिंक में पास आउट हो जाए, पर ट्राई करता हूँ। हाँ तो देख लेना है ना। और भाभी की काल, मतलब सुष्मिता का क्या हाल, कोई प्रोग्रेस? भाई प्रोग्रेस मत पूछ यार, कल पता है क्या हुआ, मैं ऑफिस से निकला तो अपने वो राइट शेयर ऐप पे एक बंदी की रिक्वेस्ट आई। मैं कहा पता नहीं कौन सी रैंडम बंदी, मैंने कर दी डिक्लाइन। फिर जब मैं सुष्मिता को पिक करने गया ना, उसके बाद बंदी खड़ी थी, मैं कहा पता नहीं है कौन है। वो बंदी वही निकली जिसका मैंने रिक्वेस्ट डिक्लाइन किया था। अब मैं दोनों को गाड़ी में बैठाए घुमा रहा था कल यार, बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया यार। क्या हंस रहा है भाई? मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ यार, तू कितना बड़ा ठरकी है भाई। सीरियसली बता दे यार कि ऐसा डेस्परेट लगा हुआ क्या? देख लड़कियाँ ना ये सब बातें आपस में काफ़ी डिस्कस करती हैं, तो कैब से उतर, मतलब तेरी कार से उतरने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एनालाइज तो किया ही होगा कि तूने सुष्मिता की रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की और उसके दोस्त की तूने क्यों डिक्लाइन की। तो पॉसिबिलिटी तो है भाई। पता है अच्छी चीज़ क्या हुई, कल सुष्मिता पहली बार गाड़ी में ऐसे मेरे बगल में बैठी है, आई थिंक वो दोस्त हो गए शायद। डजंट मीन अ थिंग, उसे दया आ गई तुझ पे भाई, कि अगर वो दोनों पीछे बैठी रहेंगी तो यू वुड फील ऑड, सहानुभूति के चक्कर में किया है ठीक है। भाग साले। भाई फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ सुन ले, जब भी सुष्मिता के साथ में राइड शेयर करेगा ना, तो कार में एक दो लोग और को राइड दे देना। अब तू हर बार सुष्मिता को राइड देता रहेगा तो उसे भी लगेगा ना तो कितना बड़ा डेस्पो है भाई। राइड शेयरिंग ऐप है, डेटिंग ऐप नहीं। चल फिर एंजॉय द पार्टी, होश दो जोश। रात में आई होगा। अच्छा सुन भाई, वो तेरे फोन पे वो डिलीवरी ऐप से ना मैंने दो स्टार्टर ऑर्डर किए थे, कुछ 550 डिडक्ट हुआ तेरे अकाउंट से ठीक है। चूते खुद के मोबाइल से क्यों नहीं किया तूने भाई? तुझे पता है ना यार
कि मैं अपने फोन पे दूसरे फाउंडर्स का ऐप नहीं यूज करता, मेरे उसूलों के खिलाफ है भाई। On my phone, I only use those apps that I build. क्या आदमी है यार तू भट्ट। भाई मार्क का रूममेट है तू, मार्क का सीखेगा भाई तू। बुद्धा ड्राइवर को बुलाया, अच्छा किया। हाँ। आज तो भंड हो गए भाई। कल सुबह साला जब शुक्ला उठे ना, उसको लगना चाहिए पिछले रात उसके घर पे रेड पड़ी थी। भाई मैं तो सारी बोतलें साफ करने वाला हूँ आज, देख लेना। विदेशी दारू का अच्छा स्टॉक होगा ना उनके पास। होगा ना यार। मैं तो कहता हूँ जितनी उसने तुम्हारी गांड मारी है ना, आज हर चीज का चुन चुन के बदला ले लेना। ये देख मैं तो थैला लेके जा रहा हूँ, अबे जितनी दारू बची होगी ना सब स्मगल करके घर ले जाऊंगा। ये बात हेलो तो बॉयज ऑल सेट? यस सर, वी आर ऑन आवर वे। फाइनली कौन कौन आ रहा है? सर मैं हूँ, हमारी टीम से अंकित और दीपक है, और हाँ सौरभ, सौरभ भी है सर। बढ़िया है बढ़िया, आ जाओ फिर महफिल जमाते हैं। श्योर सर, महफिल जमाते हैं सर। ओके सी यू देन। ओके सर बाय। और बॉयज महफिल जमाते हैं क्या? एक सेकंड वापस कॉल आ रहा है। यस सर। अरे मैं पूछना भूल गया यार, तुम लोग क्या क्या पियोगे? जो आपकी श्रद्धा है पिला दीजिएगा सर। अरे बताओ भाई, इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी तो होगी। हाँ ओके ओके, वन सेकंड सर, बता दो यार उसको ऑर्डर ऑर्डर कर। मेरे लिए बियर। सर सौरभ और मैं तो बियर वाले। बियर डन। कौन सी? अल्ट्रा अल्ट्रा ही पीते हैं सर हम लोग। अल्ट्रा ठीक है। और अंकित और दीपक? हाँ वन सेकंड सर, दीपक क्या पिएगा? एवरीथिंग अल्कोहलिक। बताना चाहती है। सॉरी सर, वन सेकंड। विस्की विस्की, मेरे लिए विस्की। सर दीपक विल हैव विस्की सर एंड अंकित वोडका। वोडका बोल दिया। बियर से शुरुआत करेंगे तो बियर का शौक भी बढ़ाएंगे। बेसिकली सर आप वोडका और विस्की और बियर में आई थिंक हम सबका काम हो जाएगा सर। कूल। अच्छा सुनो, एक काम करो तुम लोग। यस सर। आते वक्त ना रास्ते में ठेके से उठाते हुए आ जाओ, मेरा रेगुलर डिलीवरी करने वाला फोन नहीं उठा रहा साला आज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट, मेरे लिए काम करो, एक स्कॉच की बोतल भी उठा लेना। तुम आओगे ना तो सेटल कर दूंगा, ठीक है? यस सर ऑफ कोर्स, वी विल गेट इट सर, रास्ते में उठा लेंगे, नो प्रॉब्लम। अबे क्यों आ बोला तूने? क्या बोलता है यार? नहीं बोल देता। हाँ? नहीं तो क्या करेंगे वहां जाके यार। अरे तू ऐसे क्या देख रहे हो यार, उसने बोला है सेटल कर देगा। हाँ पर मांगेगा कौन उसे? मांगने की नौबत क्यों आनी चाहिए यार? साला अपने पैसों की दारू पीनी थी, उस बकचोद शुक्ला के घर क्यों जाते थे? Exactly. यार गाइस आई थिंक हम लोग थोड़ा ओवररिएक्ट कर रहे हैं यार। अरे हो सकता है जेन्युइन केस हो। पर तू सच में इतना बोला है क्या? अब तक समझा नहीं तू? और एक बार काट दिया है तेरा शुक्ला ने। जितना इंक्रीमेंट मिला था ना उतने की तो दारू ले ली भाई इंश्योर। ठीक है यार, अब जब गीले हो ही गए तो नहा के निकलते हैं। और दूसरा ऑप्शन भी क्या है यार? चल सर। आपका घर बहुत बढ़िया है, वेरी ब्यूटीफुल। सर मुझे तो लगा आपके घर में वो मिनी बार टाइप होगा जिसमें हाँ ड्रिंक्स वगैरह रखा। सर इम्पोर्टेड दारू का स्टॉक तो होगा ही आपके पास? नहीं ना, बीवी के चक्कर दोस्त, बीवी के चक्कर। इस घर में दारू का स्टॉक नहीं, जूस और दूध का स्टॉक रहता है। अरे यार तुम लोग बहुत धीरे पीते हो, मैं यहाँ पे दूसरा पैक पी रहा हूँ और तुम बियर ऐसे पी रहे हो जैसे गर्म हो। है? नहीं सर वो। अरे यार कॉन्शियस मत हो, वो खूंखार खड़ूस अवतार वो ऑफिस में, यहाँ पे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सो चिल, रिलैक्स करो, बहुत सारा खाना मंगाया है, आता ही होगा, आता ही होगा। और सर वो अरे यार अभी
सर मत बोलो, हैं? हम दोस्त हैं यहाँ पे, क्यों? नहीं? और शुक्ला, दोस्त, स्टेटस क्या है? नहीं वो मंगाए हैं मैंने चिकन लॉलीपॉप और वो मटन कबाब. गाइस आई गॉट टू टेक दिस कॉल. हाँ आते होंगे, स्टार्टर्स आते होंगे. चीयर्स टू ऑल. भाई मैं दूसरी बियर लेने जा रहा हूँ, तेरे लाऊं? हाँ ले आ. And I have something that I want to show. Yes, guys. If you come with me, I'll give you kicks for free. We put the pedal to the metal and go. अरे शुक्ले, अबे कहाँ था तू इतना टाइम? चल 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 जल्दी आ, ये पैक फिनिश कर, दूसरा लेके आ. और सुन, तेरी गांड ना इस पे टिका के रखना, महफिल जमानी है भाई अब. गाइस एक प्रॉब्लम आ गई है. बियर पीते वक्त पर्सनल प्रॉब्लम मत चले, है ना? आई हैव टू ड्राइव डाउन टू माई ब्रदर्स प्लेस, समथिंग हैज कम अप, अवॉइड नहीं कर सकता. तो जा ना, जा, प्रॉब्लम है तो जा, अवॉइड मत कर. हाँ पर जल्दी चले आ, क्या तेरे बगैर पार्टी में मजा नहीं आएगा यार, है ना? एक्चुअली वही बात है ना कि मैं वापस शायद नहीं आ पाऊंगा, रात को ही रुकना पड़ जाए तो, यू नो इट्स. मतलब सर? मतलब वील हैव टू रैप अप द पार्टी. पगला गया क्या तू शुक्ल? व्हाट रैप अप? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, मेरी दूसरी बियर चल रही है, उसका तो पहला पैक चल रहा है. हा? क्या रैप अप क्या? गाइस आई हैव टू लीव नाउ. यस सर, श्योर श्योर. व्हाट? अरे ये फोन नहीं आया होता तो आई डेफिनेटली वुड हैव स्टेड. नो नो प्रॉब्लम सर. चल अंकित, दीपक चलते. थैंक यू, गुड नाइट, विल सी ऑन मंडे. डोज दैट या भंड होके आएंगे. पैसे गए वो अलग. क्यों बे, तूने क्यों वॉलंटियर किया वहां से निकलने के लिए? हाँ बैठे रहते ना वहीं पे, कौन सा उसकी पैसे की पी रहे थे तो? अबे यार तेरे जैसी मोटी चमड़ी नहीं है मेरी, कितना घुमा फिरा के बोलता हुआ कि निकलो सालो मेरे घर से, बाहर निकलो बाहर निकलो, उठ गया यार. यार इतनी महंगी विस्की और स्कॉच खरीदी और पिया कितना? एक पैक. फिर और भाई साहब थैला कहाँ है तेरा? उसके घर से विदेशी दारू भर के लाने वाला था ना, हमारी वहां छोड़ के आ गए. सारी की सारी बियर उस कमीने के फ्रिज में ठंडी हो रही होगी, मेरी अल्ट्रा. मुझे क्या पता था यार कि वो इतना काटेगा, इतना बड़ा काटेगा. मतलब ऑफिस में देखा है उसका कमीनापन यार, लेकिन घर बुला के ऐसे काटेगा यार, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार. एक बात बताओ यार, इमरजेंसी सच में थी कि मतलब क्या 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 लग रहा है मतलब? अरे घंटा इमरजेंसी तो क्या. देखो हम सबको 8 बजे बुलाया था. हाँ. अब उसके दोस्तों को उसने रात को 10 बजे बुलाया होगा, हमारे पैसे की दारू पिलाने के लिए. वैसे भी हम जैसों का खून चूसना उसका फेवरेट पास टाइम है ना. चिंदी चोर सर, अभी स्टार्टर्स आने ही वाले थे यार. आर यू सीरियस? क्या तुझे सच में ऐसे लग रहा है? अबे वो चूतिया. अरे सर आपने बताया नहीं कहाँ जाना है. अरे घर ड्रॉप कर दो. घर कुछ भूल गए हैं क्या घर पर? यार सुनना यार, पिक्चर्स ऐप पे देखते हैं ना कौन सा पब्स ओपन है और चलते हैं कहीं पर. नहीं यार. अरे चलो ना यार. यार अच्छा रुक एक मिनट, ये देख 1+1 ऑफर्स भी चल रहे हैं यार, सस्ता पड़ेगा. अरे चलो ना. नहीं मैं नहीं यार, दो यार. मूड की बैंड बजी हुई है थैंक्स टू शुक्ला यार, घर चलते. अरे सर चलिए ना, ले चलते हैं आपको जहां आप कहेंगे, अभी तो रात जवान है. नहीं जाना भाई साहब, आप घर छोड़ दो यार बस. क्या सर पार्टी करेंगे या आपने कर ली है या घर पे वेट करना पड़ेगा? अरे यार आप घर छोड़ दो ना यार, कितनी बार बोलूं यार, हो गई पार्टी हमारी खत्म, घर ले चलो, ड्रॉप कर दो, जाओ आप. बढ़िया है, आज पार्टी को पार्टी के बाद सीधा घर छोड़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश. ऐसे ही करनी चाहिए पार्टी. धन्यवाद. लिमिट में सर एक बात समझ में नहीं आई,
जब आपको पीनी ही नहीं थी तो हमको ड्राइविंग के लिए क्यों बुलाया? सर, आपके चरण का है, स्पर्श करके घर जाता हूं। कुछ मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है सर? मैंने तुमसे कहा था कि लोगो 32% इंक्रीज करो, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स 31% इंक्रीज है। ऐसे ब्रांड कैसे रजिस्टर होगा बुद्धादित्य दास? सर, उसके लिए लोगो बड़ा करने की क्या जरूरत है? हम तो अपने व्यूअर्स को बोल सकते हैं ना कि सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पे, इससे ग्रोथ होगा। बकवास मत करो, जाके एजेंसी वालों से बोलो कि इसका साइज इंक्रीज करके दे मुझे। जा। अब ये लोग लोगो इंक्रीज करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा अगला एपिसोड जरूर आ रहा है और उसे सबसे पहले देखने के लिए आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये इसका साइज लोगों का सही है कि नहीं। अरे दास, अच्छा सुनो, ये सारे काम के बाद ना घर जाके बियर पीते हैं, वो पिछले हफ्ते की अल्ट्रा के स्टॉक की 2-3 बची हैं। कम ऑन, ओके। अरे मिस्टर दास की लग गई फिर से।